तो माई YouTube चैनल यू आर वॉचिंग अ फिजिक्स ऑन चैप्टर 2 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो आई हैव डिस्कस अर्लियर अबाउट द फिजिकल क्वांटिटी ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड यूनिट। ओके, तो इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया था आपको। तो टुडे आई एम डिस्कसिंग ऑन द मेजरिंग लेंथ। इज अ क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज लेंथ? लेंथ है क्या? तो सिंपल सी बात है, लेंथ इज द वन ऑफ द व्हाट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ये लेंथ क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूँगा? मैं तो बोलूँगा इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इट्स एक्सट्रीम एंड। मतलब ये हो गया कि अगर ये कोई भी दो पॉइंट है, तो एक ये हो गया इनिशियल पॉइंट और ये हो गया आपका फाइनल पॉइंट, एंड पॉइंट। तो इसके बीच में जो दूरी है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लेंथ कहेंगे। क्या कहेंगे? लेंथ। ओके, तो आप ये सोचो, इफ़ आई आस्क यू टू मेजर द लेंथ ऑफ ए बेंच, सपोज बेंच और टेबल, देन हाउ व्हाट विल यू हैव टू नीड? तो यू हैव टू नीड व्हाट? स्केल, मेजरिंग स्केल। ओके, अगर आपको टेबल मापना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो मेजरिंग स्केल लोगे, या इंची टेप। मेजरिंग स्केल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और या तो इंची टेप होना चाहिए। अगर आप इंची टेप लेते तो आप बोल सकते हो कि सर टेबल की लंबाई इतनी है, है ना? अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप उसका तो स्केल तो नहीं लोगे, आप क्या लोगे? इंची टेप लोगे। तो इंची टेप से आप अपना हाइट पता कर सकते हो। तो आई मीन दिस मीन दैट डिपेंडिंग अपॉन द नीड और डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ आर यूज। आपको पता है कि जैसे आपकी चीज़ की ज़रूरत है, उसी के मुताबिक आप उसका यूनिट ले सकते हो। मैंने आपको कहा कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस मार्कर। सब अगर मैं आपसे क्वेश्चन किया कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे? स्केल रखोगे। कौन सा स्केल? जो आप लोग जो ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपके पास जो स्केल है, आप वो रख के आप मेजरमेंट कर सकते हो कि सर ये मार्कर का हाइट कितना है, लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। आप सेंटीमीटर पर बोलोगे, है ना? अगर मैं आपको बोलूँगा कि व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ ए बुक, तो किताब की थिकनेस कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? सर ये 0.5 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सर ये तो 5 मिलीमीटर भी है, तो मिलीमीटर में भी बोल सकते हो। तो इस तरह का मतलब कि हम अलग अलग यानी कि यूनिट ले सकते हैं। तो मैं फिर बात करूँगा कि तो सिंपल सी बात है कि लेंथ मापने के लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मैं सीधा बोलूँगा, एक हो गया आपका रूल, जिसको हम लोग स्केल बोलते हैं, नंबर 2 इंची टेप, नंबर 3 और जो स्मॉलर जो छोटी छोटी जो मेजरमेंट है, तो जैसे हम बात करेंगे पेंसिल की, जो पेन की जो रिफिल होती है, रिफिल की थिकनेस जो है, ये सब किसके द्वारा किया जाता है? वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, तो दे आर यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल व्हाट लेंथ। ओके, तो व्हाट आर द वेरियस रूल? आपको अगर रूल पता होना चाहिए कि इसकी लंबाई आप कैसे मापोगे। पहली बात तो ये है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका जो मान के चलो कि ये रेड मार्क है, ये आपका स्केल है, तो आपका स्केल बिल्कुल यहाँ से होना चाहिए। मीन इसका जो जीरो है, जो स्केल का जीरो है, वो इसकी जो पॉइंट है, वो इसके साथ क्या होना चाहिए? कोइंसाइड होना चाहिए, तभी हम यानी कि इसका मेजरिंग कर सकते हैं। और एक बात मान के चलो, कभी कभी हो सकता है कि आपको स्केल क्या होगा, टूटा हुआ मिलेगा। अगर बाई चांस आपका स्केल देखो ये है, अगर आपका स्केल टूटा हुआ है, अगर ये आपका स्केल टूटा हुआ है, ये 0 था, ये 1 था, है ना? तो ये आपका हो गया 2, 3, 4, 5, ऐसे करके जा रहा है, ठीक है? तो ये हो गया 5, 6, 7, 8, तो कहाँ तक जा रहा है? ये 15 तक जा रहा है। कहाँ तक? 15 तक। ओके, ये आपको पता है। अगर आपका ये स्केल टूटा हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप ये जो आपको जो ऑब्जेक्ट मिला है, मैंने कहाँ पर रखा? 2 में रखा। 2 में रख के मैंने इसको ऐसे माप लिया। ओके, तो मैंने देखा मेरी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कितना है? 2। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और जो मेरा एंडिंग पॉइंट है वो मेरा हो गया 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? मैं दोनों के साथ क्या करूँगा? डिफरेंस करूँगा। तो मीन्स तो इसका जो लेंथ आएगा, जो इसका लेंथ आएगा, तो लेंथ हम कैसे लिखेंगे? लेंथ इक्वल टू 7 माइनस 2, क्या हो गया? 5 क्या लिख दूंगा? सेंटीमीटर। तो इस तरह से मैं इसको मेजरिंग लेंथ ले सकता हूँ, ठीक है?
तो इसके बाद अब और एक बात हम करेंगे कि कभी कभी ऐसे भी देखा जाता है कि हमारी जो आँख है आइज, तो ये इसको हम कभी कभी पैरालैक्स एरर भी कहा जाता है। तो देखो मेरी जो आँख की पोजीशन है वो अगर मैं अगर यहाँ पर है, मान के चलो मैं यहाँ से गलत किया मैंने, तो अगर मैं ऐसे करता हूँ देखो ये मैं यहाँ से देखूँगा तो यहाँ से देखो मेरा रीडिंग आ जाएगा क्या 0.1 है ना। अगर मैं यहाँ से करूँगा यहाँ पे तो ये मेरी जो रे है वो पीछे की तरफ चली जाएगी तो 0 से भी पहले आएगा है ना। तो इसलिए मेरा आँख का जो पोजीशन है वो मेरा पोजीशन बिल्कुल सामने होना चाहिए ताकि मैं इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकूं। इस तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूं, मेजरमेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो यही है। तो इस ये चीज़ आपको थोड़ा दिमाग में रखना होगा कि जो आपका जब स्केल लेते हो तो वो 0 मार्क है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है कि नहीं, मतलब वो सही है या नहीं है। और एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि जब जब आप लोग स्केल लेते हो आपको भी पता होना चाहिए कि ये 0 है, ये कितना है 1, ये 2, ये सबकी जो डिस्टेंस होती है वो बराबर की होती है। आपको ये भी पता है कि 0 और 1 के बीच में कितने डिवीज़न होते हैं, यहाँ पे 9 डिवीज़न होते हैं। कितने डिवीज़न होते हैं 9। तभी तो हम लोग क्या बोलते हैं 1.1, 1.2, 1.3। तो ये आप लोग फिजिक्स मैथ में जरूर किए होंगे। तो ठीक उसी तरह 1 और 2 के बीच में भी ये कितने डिवीज़न होते हैं 9 डिवीज़न। सबके यानी कि इक्वल क्या होते हैं, डिवीज़न होते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर आपका कहीं भी अगर आके ये रुक जाती है तो मैं इसका मेजरमेंट कैसे ले सकता हूँ, डेसिमल पॉइंट में ले सकता हूँ। तो आज इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स।